हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्यूटोरियल स्वीट होम 3D का, कि किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं हमारे बेडरूम को या किसी ऑफिस को या किसी बिल्डिंग के इंटीरियर वगैरह जो भी है, वो सब हम आज डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे इसी वीडियो में हम सब कुछ कवर कर लेंगे अगर हो पाया। ओके सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो सबसे पहले ओपन करेंगे हम स्वीट होम 3D, जो कि ऑलरेडी ओपन है। इसे मैं क्लोज करता हूँ और स्टार्टिंग से ओपन करता हूँ। ओके सो स्वीट होम 3D पे क्लिक कीजिए और अब हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया आ गया है स्वीट होम 3D। ओके सो कुछ इस तरह के डिज़ाइन हमारे पास है स्वीट होम 3D का। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हमें काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे कि बाथरूम, बेडरूम, डोर्स, विंडोज, किचन, लाइट, लिविंग रूम वगैरह वगैरह वगैरह। ओके सो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ इन चीज़ों में, तो आप देख सकते हैं कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। कुछ डिज़ाइंड चीज़ें हैं इनके अंदर, जैसे कि बाथरूम के अंदर पहले से ही डिज़ाइंड शावर है, और बेडरूम में डिज़ाइंड किचन है, बेड है वगैरह वगैरह। ये सब कुछ हमारे पास पहले से ही डिज़ाइंड है, तो हमें सिंपली करना क्या है कि इसे क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है और रख देना है कहीं पे। इस साइड पे हम रख देंगे जहाँ पे आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे हम इसे रख देंगे। ओके सो ये काम है इसका। अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं तो बैक जाएंगे हम। ओके तो सिंपल है, कंट्रोल जेड से हम बैक जाते हैं इसमें। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग। तो ये थी बात लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या ऑप्शंस थी। लेफ्ट हैंड साइड में एक और ऑप्शन है नीचे, नेम, ब्रेथ, डेप्थ, हाइट, विजिबल। ओके अगर मैं कोई चीज़ को ड्रैग करता हूँ तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी विजिबल में। अगर हम उसे चेक में अनचेक कर देते हैं तो वो एलिमेंट वहाँ से गायब हो जाएगा। सो इसके थ्रू हम जल्दी से जा सकते हैं किसी भी एलिमेंट में जिसमें हमें जाना हो। तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, और जो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक मैप जैसा है जिसमें लाइंस हैं, यहाँ पे हम ड्रैग करके डालते हैं चीज़ों को। यहाँ पे बेसिकली हम डिज़ाइन करते हैं सब कुछ। और जो नीचे एक एरिया है बिल्कुल प्लेन ग्रे कलर में, यहाँ पे जो है हमें हमारी आउटपुट शो होती है। सो अगर हम हमारे मैप को देखें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3 करके नंबर्स दिए हुए हैं, हाइट में भी, वेथ में भी। ओके मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें एक स्केल बना के दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं कोई भी चीज़ को इजीली। ओके सो गाइस, अब जो पहली चीज़ अगर देखी जाए यहाँ पे, वो है कि किस तरह से हम ड्रैग करते हैं किसी एलिमेंट को इसके अंदर। तो सिंपली उस एलिमेंट पे क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बंक बेड चाहिए, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ पे माउस का बटन रिलीज़ करूँगा और रख दूँगा। और अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुकी है नीचे। अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ, जूम आउट, ओके ओके, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। सो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका हर एंगल इस चीज़ का। ओके सो इस तरह से हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं इजीली। ओके फॉर एग्जांपल अगर मैं किचन में जाता हूँ और फ्रिज को ड्रैग करता हूँ, इसके पास रख दिया, सो यहाँ पे फ्रिज आ गया हमारे पास। ओके सो अब इसकी हाइट अगर हम चाहते हैं कि इंक्रीज हो, तो काफ़ी इजी है। मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ, ये है हमारे पास फ्रिज। ओके सो गाइज, यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह की, जो ऑप्शन है इसमें हमें सिर्फ इसे खींचना है इस तरह से। तो इस तरह से हम इसकी वेर्थ और डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। और हाइट के लिए हमारे पास इस साइड है, एरो को आना दीजिए और हाइट इस तरह से इंक्रीज होगी। अगर आप से नहीं हो रहा है इस तरह से, कभी कभार ये वर्क नहीं करे, तो आप इसमें सिंपली राइट क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी मॉडिफाई करने की। इसे तो मॉडिफाई टेक्सटाइल या फिर कुछ भी आप यहाँ पे कर लीजिए, जैसे कि इंपोर्ट बैकग्राउंड इमेज। मतलब कि अगर आप कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं तो उस एलिमेंट में वो इमेज आ जाएगी। ओके और मॉडिफाई कंपास, यहाँ पे हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली कंपास को, हमारी इसकी डायरेक्शन वगैरह को आप वैल्यू दे सकते हैं और ईजिली ये जो है मॉडिफाई हो जाएगी यहाँ पे कंपास हमारी। ओके अगर मैं इसमें फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा मॉडिफाई फर्नीचर में, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिलेगी कंट्रोल करने के लिए इसकी हाइट, वेथ और बाकी सब कुछ, इसका टेक्सचर, कलर। सो यहाँ पे टेक्सचर मैं सिलेक्ट करता हूँ ग्रीन,
सो आप देख सकते हैं जो फ्रिज का टेक्सचर है किस तरह का ग्रीनिश हो गया है, थोड़ा बहुत ग्रीन हो चुका है ये पूरा ही। इस तरह से हम टेक्सचर को कंट्रोल करते हैं इसमें। अब बात ठहरी वॉल्स की, तो वॉल्स किस तरह से हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। काफ़ी इजी है वॉल्स को क्रिएट करना। यहाँ पे ऊपर टॉप में आपको एक बार दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट वॉल की, इस पर क्लिक कीजिए। अब हम जाएंगे फिर से चार्ट में हमारे पास मैप में। अब मैं क्लिक करूँगा, एक क्लिक कर दी। देखिए क्लिक करते ही यहाँ हम किसी भी एंगल में किसी भी पोजीशन में वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह से क्लिक करूँ यहाँ पे, देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पे हमारे पास क्रिएट होती रहेगी। क्लिक कीजिए बस, जहाँ पे आपको वॉल को स्टॉप करना है वहाँ पे लेफ्ट क्लिक कीजिए और फिर वहाँ से नई वॉल स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको नहीं चाहिए नई वॉल तो सिंपली राइट क्लिक कीजिए, ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, काफ़ी इजी है इस तरह से वॉल क्रिएट करना, और इसे भी हम टेक्सचर दे सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए वॉल में और जाइए मॉडिफाई वॉल्स में और टेक्सचर को सिलेक्ट कर लीजिए, पैटर्न्स को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे टेक्सचर लूँगा, अगर इस तरह का टेक्सचर अगर मैं वॉल पे लेता हूँ, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, आप देख सकते हैं बाहर जो है इसके वो टेक्सचर क्रिएट होके आ चुका है। अगर आप एक ही बारी पे मल्टीपल चीज़ों को एक ही टेक्सचर देना चाहते हैं, काफ़ी इजी है। उस एलिमेंट को जो है हमें सिलेक्ट करना है, एरो को सिलेक्ट कर लीजिए ऊपर जाके मेन्यू बार पे। ओके, एरो की थ्रू अब हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल प्रेस कीजिए, फिर किसी दूसरे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, सॉरी 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 गलत था वो, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट को क्लिक कीजिए, शिफ्ट को प्रेस करके रखिए। ओके, फिर हम मल्टीपल जो है हमारे पास उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को इजीली। ओके, गाइस काफ़ी इजी है इसे यूज़ करना और काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं चीज़ें इसके लिए। हम काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। काफ़ी ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलती हैं। टेक्स्ट की ऑप्शन भी है, टेक्स्ट सिंपली हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें हम। और क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं, इंपोर्ट फर्नीचर्स, मतलब कि हम डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा जो है फर्नीचर। गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए किसी भी एलिमेंट को लेके, 3D एलिमेंट को लेके, और उसे डाउनलोड कर लीजिए और आप उसे यूज़ कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। काफ़ी इजी है ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना, और आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो क्रिएट कर सकते हैं उस चीज़ की। ओके, काफ़ी अच्छा है ये, आपको यहाँ यहीं पे ऑप्शन मिल रही है कि आप इसकी वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं और आप इजीली चेक कर सकते हैं अपना पूरा घर अगर आप इसका यूज़ करेंगे किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए। काफ़ी इजी है यूज़ करना इसको और काफ़ी यूज़फुल जो है ये सॉफ्टवेयर है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमने एक रूम को क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से, क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या नहीं हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं प्रॉपरली। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।